when electron does transition from n is equal to 3 to n is equal to 2, emitted electron spectrum. कहता है electron transition करता है कहाँ से कहाँ तक भाई, n is equal to 4 से 2 में जाता है, तो emitted spectrum किस में lie करेगा? अब हम सबको पता है कि n is equal to 2 में जब jumping होती है, हाँ, n is equal to 1 है और ये n is equal to 2 है, n is equal to 3 है, n is equal to 4 है. कहाँ पर jumping हुई है यार? 2 में jumping हुई है. तो अगर 2 में jumping हुई है तो 3 से होगी, 4 से होगी और higher orbit से होगी. तो higher orbit से अगर ये तो Balmer series बनता है. कौन सा बनता है? Balmer series. ये एक आसान question है. तो Balmer series बनता है. तो Balmer series की first n1 is equal to 2 और n2 is equal to 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, dot 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 infinite होगा. तो Balmer series की ये वाली जो है n1 3 से जब 2 में jumping हुई, तो Balmer series की first line, first photon, first wavelength, first transition और ये second line, second wavelength, second frequency, ये सारी चीजें होती हैं. तो second line बनता है जब n is equal to 2 में jumping होगी, कहाँ से? 4 से. तो n is equal to अगर 4 से अगर 2 में jumping हुई, तो Balmer series की second line बनती है. Second line of Balmer series, that is B option सही है, बाकी सारे गलत है. चलो, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से. तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो और अपना प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करते रहो. और सबसे बड़ी बात है अपना खुद का ख्याल अपना खुद रखो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहो. ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो. तो थैंक्स, अपना बहुत ख्याल रखो. थैंक यू, बाय बाय.